कुछ भी कहिए श्रीवास्तव जी, भारत में भी अब लेखकों की अवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पहले साहित्यकारों की सभा में साइकिलें दिखाई देती थी और अब देखिए कारें ही कारें नजर आ रही हैं। जी हाँ जी हाँ, पिछले साल तो अपनी एक साइकिल भी थी यहाँ, लेकिन इस साल उपन्यास छपाने में वो भी टिकाने लगा। चलिए हम चलिए माननीय सभापति महोदय, माननीय साहित्यिक साथियों, डॉक्टर भास्कर बनर्जी, डॉक्टर कुलकर्णी और उपस्थित सज्जनों, मैं साहित्य संघ की तरफ से रुस्तम जी पेटे ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरस्वती पुरस्कार स्थापित करके साहित्यकारों को जो उत्साह दिया है वो सराहने योग्य है। सरस्वती पुरस्कार हर साल साहित्य की सबसे महान रचना को दिया जाता है। इस साल इस पुरस्कार की विशेषता यही है कि ये लेखक की पहली रचना है और इसके लेखक हैं एक डॉक्टर, डॉक्टर भास्कर बनर्जी। डॉक्टर बनर्जी दवा दारू की दुनिया में तो मशहूर हैं ही। सिर्फ दवा कहिए, दारू नहीं। माफ कीजिए डॉक्टर बनर्जी, सिर्फ दवा की दुनिया में मशहूर हैं, दारू की दुनिया में नहीं। वो एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे वातावरण में रहकर आनंद जैसे चरित्र की रचना करना सचमुच बहुत आश्चर्य की बात है। पुरस्कार वितरण से पहले मैं डॉक्टर बनर्जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अपने उपन्यास के बारे में कुछ बताएं। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से और कैसे मिली? मैं, माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता और सच पूछिए तो मैं कोई लेखक भी नहीं। लिखने की जो थोड़ी बहुत आदत है वो सिर्फ डायरी तक, और जिसे आप मेरी कहानी या नॉवल समझ रहे हैं वो मेरी डायरी के ही कुछ पन्ने हैं। अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है या कल्पना की रचना महसूस हुआ है तो वो कमजोरी मेरे लिखने में, वो नाकामयाबी मेरी है। आनंद को दोस्तों का शौक था, लगता था हर वक्त हर जगह उसे किसी दोस्त की तलाश है, और इसीलिए मैंने ये किताब छपवाई कि 2-4-10 की गिनती से निकलकर उसकी दोस्ती में सारी दुनिया से करा दूं। जिन दिनों मैं आनंद से मिला मेरी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, मैं डॉक्टरी पेशे से बहुत निराश हो चुका था। हर तरह के दुख, बीमारी, गरीबी देख देख कर मेरे सारे हौसले टूट चुके थे, मैं बेबस हो चुका था। मैं रोग से लड़ सकता था लेकिन भूख और गरीबी से कैसे लड़ता? जिस जंग के लिए मैं मैदान में उतरा था उस जंग के हथियार मेरे पास नहीं थे। मैंने देखा सैकड़ों हजारों लोगों में विटामिन की कमी है, लेकिन जिनके पास खाने को कुछ नहीं उन्हें विटामिन देने से फायदा? दवाओं से रोग छूट सकते हैं लेकिन गरीबी तो नहीं। इतने सालों की आजादी के बाद भी मैंने देखा लोगों के पास नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं, मैं उन्हें दवाएं खरीदने के लिए कैसे कहूं? डॉक्टर साहब, मेरे बस के बाहर। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, क्या मैं भगवान हूं? भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये मीठा कर लक्ष्मी का बेटा हुआ मेरा पोता। हाँ, एक मरा नहीं और दूसरा मरने के लिए पैदा हो गया। मानता हूं कि जिंदगी की ताकत मौत से ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये जिंदगी क्या मौत से बदतर नहीं? कॉलेज से डिग्री लेते हुए जिंदगी को बचाने की कसम खाई थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे कदम कदम पर मौत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। खाना नहीं खाएगा? तुम खा लो रघु काका, मेरा मन हो तो खा लो। तू कैसा डॉक्टर है रे? तेरे पिता भी तो डॉक्टर थे।
रात दिन जुटे रहते थे काम में, लेकिन खाने पीने से तो वो कभी नहीं चूके। उन्होंने तो पैसा ढेला जमा करके ये जायदाद भी बना ली। तुझे तो रुपया पैसा भी अच्छा नहीं लगता, मुफ्त में मरता रहता है रात दिन। तेरा दोस्त प्रकाश कितना बड़ा अस्पताल बना लिया उसने। जाओ रघु काका, मुझे अकेला छोड़ दो। मुन्ना मेरा एक काम कर देगा क्या? एक बहू ला दे घर में, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा अपने गांव। मैं ठीक कह रहा हूं, तुझे अपने हाथों से पाला है, इस हाल में देख भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। ए रघु काका, चलो खाना लगाओ, शादी करने से तो खाना अच्छा है। गाड़ी आगे रख दो। हेलो डॉक्टर, आप जरा बैठिए, मैं किसी को देख रहा हूं। मुझे जरा जल्दी है। तो फिर कल आइए। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करता हूं। ये एड्रेस ले जाओ, आज जाके एक्सरे करवा लेंगे। भास्कर भैया, जरूरत है एक्सरे की? मैंने दो तीन ट्यूशन और ले ली है ना, ज्यादा गाने से कहीं गला चिर गया होगा, इसलिए शायद खून आता है गले से। हो तो बहुत कुछ सकता है रंजीत, तुम जाओ पहले एक्सरे ने करवा लो। क्यों, क्या हुआ? और तो कुछ नहीं, एक्सरे के लिए आप मेरी हालत जानते हैं। पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं फोन कर दूंगा डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी, तुम उन्हीं से जाके मिलना। अच्छा भास्कर भैया। क्यों डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई, बैठिए। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। लगता है बहुत निराश हो गया। नहीं वो बात नहीं, लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा था कि आप कैंसर एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट इन व्हाट, कैंसर देने में या इलाज करने में? खैर कोई बात नहीं डॉक्टर। हाँ, एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है, रात को नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है। कोई अच्छी तगड़ी सी दवा दीजिए। दरअसल आपको सिर्फ दवाई खाने का शौक है, अगर मैं आपको चार पांच किस्म की रंग बिरंगी टैबलेट या कैप्सूल दे दूं, या किसी ऐसी दवा का नाम बताऊं जो 10 दुकानों में ना मिले, तभी आप खुश होंगे, समझेंगे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। देखिए डॉक्टर, अगर कोई दवा दे सकते हैं तो दीजिए, वरना शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं। आप जा सकते हैं चंदना जी। आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है? मैं दवा देने की फीस लेता हूं, अक्सर देने की नहीं। डॉक्टर कुलकर्णी प्लीज, डॉक्टर बैनर्जी। प्रकाश, मैं भास्कर, एक लड़का भेज रहा हूं तेरे पास एक्सरे के लिए, रंजीत नाम है उसका, उसे देख लेना। हाँ और सुन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के सैंपल हैं तेरे पास? मेरे लिए निकाल के रख देना। किसकी चिट्ठी? त्रिवेदी? अच्छा, वो गायनेकोलॉजिस्ट दिल्ली में था, बड़े दिनों बाद याद आई दोस्तों की। हाँ, दोपहर को लेबोरेटरी जाना है, शाम को 3-4 बजे तक आऊंगा। अच्छा सिस्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बैनर्जी। मॉर्निंग डॉक्टर कुलकर्णी है? जी हाँ, आपका इंतजार कर रहे हैं। ये याद रखिए मिसेस संजना, ग्रीन और रेड कैप्सूल्स एक साथ लीजिएगा, उसके आधे घंटे के बाद पिंक टैबलेट, नेक्स्ट वही ग्रीन एंड येलो कैप्सूल्स,
उसके आधे घंटे के बाद वही पिंक टैबलेट, और हाँ मैंने जो सफेद टैबलेट आपको दी है ना उन्हें उसी तरह कंटिन्यू कीजिए, सुबह एक शाम एक, ओके? अब कोई बात नहीं, आओ भास्कर बैठो। एक बात तो कहनी आपसे भूल ही गई डॉक्टर कुलकर्णी। आजकल न जाने मुझे क्या हो गया है, इतनी घबराहट रहती है। क्यों? देखिए ना पिछले ही महीने ब्लाउज सिलवाए, कितने टाइट हो गए, और सैंड फ्राइज के कपड़े हैं। नहीं नहीं मिसेस सन्यास, इसे बिल्कुल निकलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहता हूँ, नेक्स्ट सैटरडे आ जाइए। ओ नो नॉट सैटरडे डॉक्टर, सैटरडे मेरी किसी पार्टी है, फ्राइडे नहीं हो सकता। फ्राइडे लेट मी सी, ठीक है फ्राइडे मॉर्निंग 9 o'clock। ओके ये लीजिए डॉक्टर 500 रुपए का चेक पिछले महीने का। अच्छा अब तुम नहीं चलती हूँ। थैंक यू। I mean for this check. ओह इट्स ऑल राइट डॉक्टर, बाय 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 बाय। आओ भास्कर बैठ। ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बता रहा था उन्हें वो क्या समझे? तू डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा भास्कर। अरे रोग नहीं जमाऊंगा तो उसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हाँ तेरे पास वो जाती तो तू क्या कहता मुझे मालूम है, वही जो सेठ चंद्रनाथ से कहकर तुम्हें उसे नाराज कर दिया। 2 घंटे सुबह वॉक कीजिएगा, 2 घंटे शाम को खेलने जाइए, और फिर 15 दिन के बाद न तेरी जरूरत पड़ती न मेरी। वो तो ठाट से बैडमिंटन खेलते रहते और हम खाट बिछाकर चौराहे पर बैठे रहते। अगर यही करना था तो डॉक्टरी पास करने की क्या जरूरत थी, कोई और दुकान खोलकर बैठ जाता तो क्या होता? अरे दूध बेचता तो दूध में पानी मिलाता, वकील होता तो खूनी से पैसे लेकर उसे खून की सजा से बचाने की कोशिश करता। इस प्रोफेशन में कम से कम पेट दांत का दर्द तो कम कर सकता हूँ। तू समझता जो कर रहा अच्छा कर रहा है? कोई ऐसा बुरा भी नहीं भास्कर। तूने सुबह एक लड़के को भेजा था ना मेरे पास एक्सरे के लिए? हाँ क्या मिला? उसके बाएं फेफड़े पर टीबी का पैच मिला। मैंने उसे कहा रोज आकर इंजेक्शन ले जाए, तू क्या समझता है वो उसके पैसे दे सकता है? ऐसे ही इलाज के लिए मुझे मिसेस सन्याल से पैसे लेने पड़ते हैं, और वो भी कोई मुफ्त में नहीं देती। हाँ ठीक है उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का शक है और मैं उस शक का इलाज करता हूँ, क्या बुरा करता हूँ? मैं जानता हूँ प्रकाश, बट डोंट यू थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग समवेयर? खैर छोड़ ना, ना तू समझेगा ना मैं समझा पाऊंगा। ये त्रिवेदी की चिट्ठी और ये केस हिस्ट्री भेजी है उसने। केस हिस्ट्री किसकी? पढ़ लेना, उसका एक दोस्त है अनंत सहगल, उसे भेज रहा हूं। 4-5 साल पहले मैं दिल्ली में मिला था उसे, काफी दोस्ती भी हो गए थे, बड़ा हसमुख आदमी है यार। क्या हुआ है उसे? लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। लिम्फोसार्कोमा बायोप्सी की? हाँ। तो यहां भेजने से क्या फायदा? क्या त्रिवेदी को मालूम नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं? हाँ बाबा मालूम है, लेकिन आनंद का कोई है नहीं, और अभी तक एम्बुलेटरी स्टेज पर है, घूम फिर सकता है, इसलिए बॉम्बे देखने के लिए आ रहा है और हमसे भी मिलना चाहता है, और वहां जो इलाज होने वाला था यहां भी हो सकता है। उसके एक्सरे पे देखो। देखने को है ही क्या, चंद महीनों में डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होगा, ट्यूमर बेस्ट कर जाएगा, नहीं तो अक्यूट एनीमिया होगा, सांस नहीं ले पाएगा। साफ कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 महीने। सर दिल्ली से कोई अनंत सहगल आया है। आनंद दिल्ली से? वो तो कल आने वाला था। बुलाओ उसे, बुलाओ। रहेंगे कहाँ? तेरे यहाँ? हाँ यही उसके रहने का इंतजाम कर दिया है। भास्कर त्रिवेदी का उजिगरी दोस्त है, 2-4 महीने रह के चला जाएगा, जब तक है तब तक हमें दोस्त। हेलो दोस्त। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे। मिल गए ना, बैठो। अरे तुम्हें बीच में तुम्हारी शादी होगी? हाँ अभी कैसी है? बहुत अच्छी है। जूनियर सीनियर? हाँ
अभी तक दो ही हैं। क्या यार, तीन साल शादी के हो गए, एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके। अच्छा अच्छा, तुम त्रिवेदी को कंसल्ट करो। अरे हाँ, त्रिवेदी का क्या हाल है? हाल क्या, वही फैमिली प्लानिंग, दो या तीन बस। और उसके अपने बच्चे? अपने बच्चे दो और तीन, यानी कि पांच। बस पांच। अरे हाँ अनंत, इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी। अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना। त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर, अब क्या हाल है? लेकिन आनंद, तुम तो कल आने वाले थे। अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त। जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा। मैं 20 को आटप का। अगर अब किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना, मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा। अरे हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस में मैंने अपनी जायदाद रखी है, एक सूटकेस और एक टेप रिकॉर्डर। बोरिया ले आओ, बिस्तरा नहीं लाया? फिक्र ना करो, तुम्हारा बिस्तर ऊपर के केबिन में लगाया है, तुम यही रहोगे। तुम्हारी एक्सरे प्लेट में दिखा रहा था डॉक्टर बैनर्जी को। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। ए बाबू मोशाय, क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको? मिले ना मिले, बताना जरूर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? क्या 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 क्या, फिर से कहिए। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है, ऐसे लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। वाह वाह, क्या नाम है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। आदमी विविध भारती को अनाउंस कर सकता है। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसार्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओ समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ए बाबू मोशाय, तो भालो भाषा भालो ना है, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मोशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ भाई, अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। नो चांस। आपकी उम्र क्या? 30। 30, 100 में से 30 गए कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए, कहो क्या ख्याल है? ठीक है ठीक है, वैसा ही करेगा। यस सर। सिस्टर, ऊपर जो स्पेशल केबिन है वहीं ने ले जाइए, मैं अभी आता हूँ। देखवाना, अभी 2-3 दिन तुम्हें एग्जामिन करना होगा। शौक से करो दोस्त, यही तो एक एग्जामिनेशन है, जहाँ इम्तिहान देने वाले को नहीं इम्तिहान लेने वाले को पढ़ना पड़ता है। चलिए सिस्टर। माफ करना बाबू मोशाय, त्रिवेदी ने मुझसे कहा था कि आपसे बिल्कुल मजाक नहीं करना, लेकिन क्या करो, आदत से मजबूर हूं ना। सच्ची देखा भास्कर, उसे पता है कि वो मौत के मुंह में पड़ा है, फिर भी कितना जिंदा है और किस तरह, शायद इसी के बल पर वो। तेरा क्या ख्याल है, कुछ हो सकता है? नथिंग। कमबख्त बीमारी ही ऐसी है ना कि जब तक सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ना हो कुछ पता नहीं चल सकता, एंड बाय देन इट इज टू लेट। कुछ नहीं हो सकता प्रकाश। अगर कोई जरूरत पड़े
तो वो बटन दबा दीजिएगा। आप कहाँ जा रही हैं? ड्यूटी पर। क्यों? तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? वो मैं रखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ दूर बैठिए ना, गपशप मारते हैं, वैसे भी मैं अकेला बैठा रहूंगा। अकेले डर लगता है आपको? डर तो नहीं लगता, लेकिन कोई बातचीत करने वाला तो हो। ओह तो ऐसा कीजिए, वो आईना रखा है उसके सामने बैठ जाइए और उससे बातें कीजिए। वो मैं ट्राई कर चुका हूँ सिस्टर, एक नंबर का बोर है। तो मैटन है हमारी, अभी आएंगी, उनसे मिलिएगा, वो बहुत मीठी मीठी बातें करती है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जी मैं वो कैबिन में। आपको यहाँ के विजिटिंग आवर्स मालूम नहीं? जी नहीं। 4 बजे से पहले आप किसी मरीज से नहीं मिल सकते। वो अगर डॉक्टर से मिलना हो तो? दफ्तर में जाइए, सब कायदे कानून मालूम हो जाएंगे। सिस्टर क्या कभी कभी कायदे कानून तोड़े नहीं जा सकते? ठीक है क्यों, कायदा कानून क्यों तोड़ेंगे? अरे आनंद यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कमाल है, जो आता है यही पूछता है। अरे मैं पूछता हूँ ये अस्पताल है या स्कूल? अभी टीचर आई थी, उन्होंने भी यही पूछा, अब हेडमास्टर साहब आ गए। डॉक्टर केबिन में तो कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट बड़ा पाजी है सिस्टर, उसे संभालने के लिए एक टीचर की छड़ी हाथ में लेनी पड़ेगी। आनंद ये हमारी मैट्रन मिसेस डीसा, और सिस्टर ये आपका पेशेंट आनंद। आइए ना सिस्टर, कैबिन में चलते हैं, कैबिन में आइए आइए सिस्टर, आइए ना बैठिए। अच्छा तो आप ही यहाँ की मैटरन है, सुना बहुत सी बातचीत करती है। शट अप। ये लो, ये भी कोई बातचीत हुई? सुना नहीं तुमने, लेट जा चुपचाप। अरे चुपचाप तो आदमी मर भी नहीं सकता है सिस्टर, आहू तो जरूर होती है। सोचिए 24 घंटे में 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, 3-4 घंटे खाने पीने में निकल जाते हैं, गया 50%। अगर मुझे 1 साल जीना तो 6 महीने गए, 6 महीने जीना तो 3 महीने गए, 3 महीने जीना तो 1.5 महीने गए। लेट जाओ, मैंने कहा लेट जाओ। आज मेरी मुलाकात दिल्ली के एक आनंद सैगल से हुई। ऐसा लगा जैसे एक तूफान घुस आया कमरे में। बात बात पर हंसी, बात बात पर मजाक, ये जानते हुए भी कि वो मौत के मुंह में है। हैरान हूं कि वो मौत पर हंस रहा था या जिंदगी पर। बाबू मोशा है? आपसे डॉक्टर बाबू? हाँ, आपका नाम? आनंद, कहिए आनंद आ। अरे आनंद जी आप? ये आप क्या है? क्या फैसला हुआ था? तुम बोलो। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं भागा है बाबू मोशा है। अच्छे यार हो तुम, मुझे वहाँ पिंजरे में डालकर खुद गायब। बोलो बाबू मोशा है, अगर मुझे वहाँ पर रखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं वहाँ अकेले अकेले रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन आनंद तुम्हारे लिए वहाँ रहना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वहीं रहना चाहिए। अरे नर्सिंग होम में तो आदमी खामखा ही बीमार नजर आता है। मैं अपना इलाज कराने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सब मालूम है, मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ। ए बाबू मोशा देखो ना, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं, जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो ना। हाँ हाँ रहो, लेकिन नर्सिंग होम में कहकर आयो ना। कहकर तो नहीं आया, लेकिन मैट्रिक नाम चिट्ठी लिखकर आया हूँ, दोस्त को फोन कर दो ना। अच्छा रेहू काका, सामान कहाँ? सामान तो वहीं पर है। अच्छा कोई बात नहीं, रेहू काका इन्हें ऊपर ले जाओ, मेरे साथ वाले कमरे में इनके रहने का इंतजाम कर देना। अच्छा। मैं प्रकाश को फोन करके आता हूँ। रेहू काका बैठो बैठो, कमरा बाद में देखेंगे, बैठो बैठो। ये बताओ इस घर में खाना कौन बनाता है? मैं। अच्छा बनाते हो ना। रेहू काका जिंदगी में मुझे सिर्फ दो ही शौक है, बकबक करने का और खाना खाने का। बहुत बकबक करता हूँ, बहुत खाता हूँ, देख लीजिए माशाल्लाह क्या सेहत बनी हुई। चलो मुझे अपने किचन में ले चलो। आइए
हेलो प्रकाश है, कहाँ गए? मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ दोनों? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, मैं घर से ही बोल रहा हूँ। हाँ प्रकाश अभी कहाँ है? आ रही है। हाँ तुझे कैसे पता? अभी अभी तेरे घर फोन किया। अच्छा आइए भाभी, अचानक कैसा भाग? भाई सुमन तुझे परसों के लिए न्योता देने आई है। न्योता? तब तो डबल सौभाग्य। कोई खास बात? हाँ भाई, 3 साल पहले मैंने गलती की थी, उस गलती की सालगिरह मनाना चाहती है। ओ तेरी शादी की सालगिरह? देखा कितना समझदार आदमी है, गलती कहते ही समझ गया। गलती इनकी थी भास्कर भैया, फंस मैं गई। आइए। ए बाबू उठाए, रघु काका ने जो खिचड़ी भाई है ना उसका जवाब। अरे आनंद तुम यहाँ कैसे? मैं वो मेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये बाबू मोशा है ना मुझे जबरदस्ती खींच के ले आया। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त नाराज हो जाएगा, बोला नहीं नहीं मैं कुलकर्णी को समझा दूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। छोड़ो दोस्त इसे कुछ मत कहना, बेचारा अकेला है ना। समझ गया समझ गया समझ गया। इनसे तुम मिलो, ये है सुमन मेरी। अरे भाभी आप, नमस्ते नमस्ते। अरे माफ करना भाभी मैंने आपको देखा नहीं, हद हो गई ना, आपका परिचय मुझसे करवा रहा है। दरअसल दिल्ली से मैं आप ही को मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ बहुत जरूरी काम आपसे। मुझसे क्या? जरा वो गाना सुना दीजिए ना एक बार, जो शादी से पहले चिड़ियाघर में लंगूर वाले पिंजरे के पीछे बैठकर आपने मेरे दोस्त को सुनाया था। क्यों दोस्त? वाह 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 वाह, क्या लोकेशन थी गाने की, क्या समा था। अरे तुम्हें किसने बताया? जसं काही तुम्हाला माहितीच नाही, तुम्हीच सांगितलं असणार। अगं पण तुमचं हे वागणं मला बिलकुल पसंद नाही, सगळ्यांच्या समोर मला लाज वाटते। अगं खरंच मी नाही सांगितलं? नाही 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 भाभी, इसने कुछ नहीं बता, ये तो ज्योतिष विद्या की बात है, मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं। अच्छा शादी से कुछ दिन पहले आपके पिताजी ने आपकी खूब पिटाई की थी ना? नहीं कभी नहीं। देखिए देखिए झूठ मत बोलिए, सच्चाई से शर्माइए मत। आपको याद है कॉलेज से भागकर आप मेट्रो सिनेमा में पिक्चर देखा करते थे और उसके सामने किटकैट रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ बैठकर खाना खाया करते थे, और वहीं पर एक दिन आपके पिताजी ने आपको देख लिया था और शाम को घर जाते ही वही धूमधाम वाह 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 हुई थी कि नहीं हुई थी? आता मना ना, तुम्हें सांगितलं नाही म्हणून। आता मना ना बोम। हाँ त्रिवेदी ने कहा होगा। इसका मतलब आपने त्रिवेदी को बताया होगा? अगर टाइम मिलता। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, झगड़ा करने से क्या फायदा, भाभी को गाना सुना दो ना। प्लीज भाभी प्लीज भाभी। हाँ हाँ भाभी। हाँ भाभी आप क्या भाभी भाभी कर रहे हैं? अरे भाई उधर मेजोरिटी देखकर मैं भी उसी तरफ हो गया था। देखिए मैं सच कहती हूँ, मुझे गाना वाना नहीं आता, ये मुझे खामखा सता रहे हैं। बाय द वे आनंद, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, भास्कर के साथ तुम भी जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगा। अच्छा भाभी ये तो बताइए आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं? पूरा 2.5 मन का बुके लेकर आऊंगा। ए तो मत आना। क्यों? हम प्रेजेंट वगैरह नहीं लेते। तो क्या कैश लेते हो? देखिए हम पार्टी वार्टी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप दोनों को बुला रहे हैं, इसलिए कोई तकल्लुफ मत कीजिए। मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इतने किस्म का खाना होना चाहिए कि ना पेट में जगह रहे ना जेब में। कोई बात नहीं, जेब भर गई तो झोला दे दूंगी। वेरी गुड, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आपको अभी एक गाना सुनाना पड़ेगा। हा? मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपको कैसे मालूम है? वही ज्योतिष विद्या, जो मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं। हाँ भाई इसकी सारी ज्योतिष विद्या तो मैं हूँ, मैंने इसे बताया था। अच्छा गाना गा। हाँ गाना, ये ऑर्गन तो बड़ा बड़ा सुर भूल गया होगा। ठीक है बाबू मचाए, खाना और गाना ना कोई नखरा नहीं करता। चलो उठो उठो सीट खाली करो। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए ओ, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी, तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी, तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए उमल, तेरे लिए ही सात रंग पे सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आँखों के साए चुराए रसीली यादों ने उमल, तेरे लिए ही सात रंग पे सपने चुने, सपने सुरीले सपने। आनंद, तुम प्रकाश के ऑफिस में बैठो, मैं अभी आता हूं। प्रकाश की वो मैटन कब आई थी? कौन, मिसेस डीसा? वो तो आ गई होंगी। मर गए बाबा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तुम जरा जल्दी आना। क्यों मोटे? अरे मुरारी लाल जी, यहां कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम आनंद है, आनंद। कुतुब मीनार पे बियर पिला के मुझको आउट कर दिया था। खैर बताओ, गुड़ का धंधा कैसे चल रहा? देखिए, न तो मैं मुरारी लाल हूँ, न मैं गुड़ का धंधा करता हूँ। मेरा नाम चंद्रनाथ है और मैं तेल का बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपने तेल बेचना शुरू कर दिया? शुरू नहीं किया, बाप दादा के जमाने से बेचते हैं। तो क्या हुआ मुरारी लाल जी, गुड़ हो या तेल, बिजनेस दोनों बहुत अच्छे। मैंने कहा ना, मेरा नाम चंद्रनाथ है। अरे छोड़िए साहब, नाम में क्या रखा है? अगर आपका नाम चंद्रनाथ नहीं होता तो कुछ और होता, तो क्या आप बदल जाते? आप यही रहते, यही बिजनेस करते, यही पे मिलते। चलिए, इसी बात पे मिलाइए हाथ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको भी। यही चंद्रनाथ जी, अब क्या हाल है? एक और नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई डॉक्टर कुलकर्णी, शिफ्टिंग पेन। शिफ्टिंग पेन? हाँ हाँ, मुझे भी हुआ था। फिर तो इनसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं। यहाँ देखिए, मुझे यहाँ था, यहाँ से फिर ऊपर गया और ऊपर और ऊपर, फिर सर से निकल गया। आपकी पेन का? घुटनों में। फिर तो बहुत टाइम लगेगा, गड़बड़ हो गई। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा नहीं हो सकती कि पेन नीचे से नीचे 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 पांव से निकल जाए? हाँ डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दीजिए ना। वो सब ठीक हो जाएगा, आप ऑफिस में जाइए और एडमिशन ले लीजिए। अच्छी बात। हाँ, फिक्र मत कीजिए मुरारी लाल जी, मेरा नाम मुरारी लाल नहीं, चंद्रनाथ है। क्यों आनंद, मेरा धंधा बंद कराओगे क्या? नहीं तो? पेशेंट से इस तरह मजाक करते हो? मजाक? मैंने तो तुम्हारी तारीफ की। मे आई कम इन सर? मैटर, बाप रे, कम इन मिसेस जी। सर, सर डॉक्टर बैनर्जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। हाँ
यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना कर रहा था। कहाँ भाग गए थे? घर। घर? डॉक्टर बनर्जी के घर। कहकर क्यों नहीं गए? मैं डर गया था। मालूम है तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डांटा है मुझे। तो क्या हुआ, आप भी तो डांट रही है मुझे। बातें बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा, इसलिए तो भाग गया था। बातें किए बगैर मैं रह नहीं सकता, और आप मुझे चुपचाप कैबिन में सुला देना चाहती थी। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, और माएं क्या डांटती नहीं बच्चों को। हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं, मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैटर्न बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? जरूर, अब तो माँ से दोस्ती हो गई। फिर चलो कैबिन में। नहीं नहीं नहीं, कैबिन में नहीं, वहाँ अकेले पड़े पड़े मैं मर जाऊंगा। चाहो तो अपने घर ले चलो, लेकिन वहाँ नहीं। देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी, ठीक निकल जाऊंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आनंद आपके पास रहेगा। हाँ, आपके नर्सिंग होम में उसका दिल नहीं लगता। वो जहाँ रहेगा लोगों के दिल लगा देगा। मुझसे कहता है तुम्हें सिस्टर क्यों कहते हैं, मदर कहना चाहिए, मदर मैटर। ठीक ही तो कहता है। डॉक्टर बैनर्जी, उसे हुआ क्या है? उसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। फर्स्ट स्टेज है ना डॉक्टर, अच्छा हो जाएगा ना? नहीं सिस्टर, लास्ट स्टेज पे है। सुखी रहो, भगवान तुम्हारी गोद सदा भरे रखे। पाजी। कौन, मैं या भगवान? जी, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? क्या कहा भाई, कौन सी बुरी दुआ दी मैंने? यही कहा ना, एक बड़ा हो तो दूसरा गोद में आ जाए, दूसरा बड़ा हो तो तीसरा। तुम्हारे जरा सुधा लाज बटत थी, जे तोंडाला एक भी बोलता देवाची कसली चेष्टा। ये क्या, आज के दिन भी झगड़ा? ओ मिसेस डेसा, आइए आइए। तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह थोड़ी ही भूल सकती हूँ। ये देखो तुम्हारे फेवरेट फूल। दोनों को एक साथ दूंगी। सर, आप बड़ी पार्शल है मिसेज दिशा, मुझे तो सर बुलाती हैं, और इसे बेटी बना लिया। कम से कम आज के दिन तो सर नहीं कहूंगा। भगवान से तुम्हारा सुख नहीं शांति चाहती हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। चलिए पहले सर नीचे करो, नहीं तो फिर कहोगे कि पार्शियल हूँ। अब तो तैयार हो जाइए। तैयार क्या होना है, आनंद और भास्कर ही तो आ रहे हैं। आनंद आ रहा है? हाँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। क्यों? जब से आनंद की बीमारी का सुना है,
उसके सामने आते जी घबराता है मेरा। क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ सर। फिर सर? ओह अच्छा बेटी मैं चलती हूँ। मुंह तो मीठा कीजिए। अभी मुझे चर्च जाना है। तुम्हें मालूम है ना, शाम को चर्च में बत्ती जलाए बिना मैं कुछ नहीं खाती। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। सुनिए क्या हुआ है आनंद भैया? कुछ नहीं, बीमार है ना, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मिसेस डिसा ऐसे क्यों घबरा रही थी कि उनके सामने आना नहीं चाहती? वो वैसे ही है, बड़ी नरम दिल की है ना, वो किसी भी मरीज को देखकर घबराती है। मिसेस डिसा तो बल्कि बहुत सख्त मैटर है, जरूर कोई सीरियस बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। देखो मैं प्रजापति ऋषि अनुष्ट प्रचंड सर्व कर्मारंभे विनियोग हरिओम स्वाहा हरिओम स्वाहा। ये क्या पंडित का मंत्र खत्म नहीं हुआ है, कन्या वर के सामने आ गए ही। भैया एक बात बताइए, आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं इनसे, क्या रोग है? जुकाम जुकाम। बताइए ना भैया क्यों मजाक करते हैं? यही तो मुसीबत है, सीधी साधी हिंदी में जुकाम को तो बीमारी नहीं लगती। हाँ अगर मैं इसका कोई डॉक्टरी नाम बतलाता जैसे लिम्फो सर्कम ऑफ द नोज तो तुम कहती वाह 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 क्या बीमारी है। छोड़िए भैया आप भी छुपा रहे हैं। है? ये अचानक भैया भैया क्या लगा रखा, तुम तो मेरी भाभी हो। नहीं भाभी नहीं, बहन हूँ आपकी और आप मेरे भाई है। ठीक है तो अब मैं नाम से बुलाऊंगा तुम्हें सुमन। अबे साले बैठना। जी आपको ये अचानक क्या हो गया? होना क्या है, साला कब से खड़ा है, बैठता ही नहीं, बैठ। तुमच्या जीभेला काय हाट, काय वाटेल ते बडबडता, त्यांना काय वाटेल? सुमन सुमन ठीक तो है, तू मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे पति का क्या लगा, साला तो साले को साला बोलने दो ना। भास्कर भैया आप झूठ नहीं बोलेंगे मैं जानती हूँ, सच सच बताइए आनंद भैया को क्या हुआ है? इनसे पूछने की क्या जरूरत है, ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते हैं, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे एक जोशी ने कहा था कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, उस हिसाब से तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। अच्छा आप जोशी और साधु सन्यासियों पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं। तो आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? मेरे एक गुरु है, बहुत बड़े साधु है, मौनी बाबा, बोलते नहीं बात नहीं करते। ओ गॉड फंस गए, बिल्कुल बात नहीं करते? नहीं, कितने को तो मैंने खुद भेजा उनके पास। ओ आजकल जो मरीज आता उस तरह भेजा जा रहा, दोस्त इसीलिए शिकायत कर रहा था कि आजकल बिजनेस ठंडा हो गया। मजाक नहीं, चलेंगे ना? क्यों नहीं, तुम्हारे गुरु मेरे गुरु। प्रसाद हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ये भी कोई कहने की बात है भाभी, आप दोनों के लिए तो मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। आपको तो आज भाई बनाया है ना, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। तुझे क्या आशीर्वाद दूँ बहन, ये भी तो नहीं कह सकता मेरी उम्र तुझे लग जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए नजर ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते है मीठी उलझन बेरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कैसे मेरे सपने सुनहरे दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे ये मेरे सपने यही तो हैं अपने मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए आना ए बाबूशाह कब आए चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे हाँ कैसा लगा बहुत खूबसूरत लेकिन कुछ उदास लगा उदासी खूबसूरत नहीं होती है बाबूशाह हाँ होती है मगर तुम्हें तो हमेशा हंसते देखा है ना इसलिए तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबूशाह कभी कभी गम भी तो आनंद खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो नहीं 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 बाबू मोशाय ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला हाँ माफ करना जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूं आनंद
आनंद आज कुछ बोलते बोलते रुक गया, कहते कहते अपना गम छुपा लिया उसने। वो गम ही शायद उसके जिंदा रहने की शक्ति है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है उसके मन की शक्ति इस तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन उसका गम क्या है चाहते हुए भी मैंने जानने की कोशिश नहीं की। अगर वही शक्ति है उसकी तो अच्छा है वो गम वहीं उसके दिल की गहराइयों में छुपा रहे। बाबा ये हमारे भैया है, बीमार है, इन्हें अच्छा कर दीजिए। ठहरो ठहरो सुमन, आती अपने मतलब की बात शुरू कर दी, जरा बाबा से बातचीत तो कर ले। बाबा से क्या बातचीत करोगे, बताया नहीं था, वो बोलते नहीं, मौन व्रत लिया है इन्होंने। हाँ बताया तो था लेकिन बाबा जिंदगी भर का व्रत लिया, कभी बात नहीं करेंगे। बस कर फिर तो इस जिंदगी में आपसे वार्तालाप का कोई चांस नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप चुप रहते हैं आपको तकलीफ नहीं होती? अगर मुझे 5 मिनट के लिए चुप रहना पड़े ना तो दम घुट जाए। तुम फालतू बातें मत किया करो भैया। बाबा भैया को आशीर्वाद दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप चाहेंगे तो मेरे भैया अच्छे हो जाएंगे। बाबा ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। बाबा ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूं और जब तक जिंदा रहूं बीमारी बीमारी रोग वो कुछ ना हो, बुखार तक ना हो बाबा। और जितने मेरे ये डॉक्टर दोस्त है ना इनके वो क्या कहती हो वो थर्मामीटर थर्मामीटर धड़े के धड़े रह जाए। चीरियत यत तत शरीरम, मतलब जो मिट रही है वो शरीर है। तो बाबा तो मैं आपसे इतनी छोटी चीज क्यों मांगू, जो मिट रही है शरीर, शरीर क्यों, मन को आशीर्वाद दीजिए बाबा जो सदा हंसता रहे और दूसरों को हंसाता रहे। बाबा मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप ना रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं, अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई ना निकले मेरे मुंह से। ऐसा होगा ना बाबा? अरे तू छोड़ता क्यों नहीं उस प्याज को, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? मैं कहा उसके पीछे पड़ा हूँ, देखो ना ये मेरे पीछे पड़ा है, साला रुला रुला के बुरा हाल कर दिया। तो रहने देना बाबा, मैं तो कब से कह रहा हूँ मैं कर लूंगा, तू आया क्यों यहाँ किचन में, चल जा अपने कमरे में। देखो रघु काका तुम मुझे अपने दिल्ली से निकाल सकते हो लेकिन उसे नहीं निकाल पाओगे जो यहाँ आते ही सारा घर का राजपाट संभाल कर बैठ जाएगी। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो वो दिन देखू। मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ लोगों काका, मैं तो मुन्ना की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, और क्या इस उम्र में मैं अपनी शादी करूंगा, उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते हा? वो करे तब ना। काका तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, बाबा मशाई को मैं पटाता हूँ। अरे वो नहीं मानेगा, एक बेचारी तो घूम घूम कर चली गई। कौन 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 लोगों काका कौन? थी एक भली सी लड़की, मेरे ख्याल में तो मुन्ना को भी अच्छी लगती थी, लेकिन अपना मुन्ना तो बस। अब तुम ही बताओ बेटा ऐसी कौन होगी जो खुद ही अपने मुंह से शादी के लिए कहे, खुद ही लगन निकाले, पंडित वंडित को साथ ले आए, मुन्ना को पकड़ कर फेरे ले ले और बैठ जाए, लो हो गई शादी। अरे ऐसा कहीं होता है बेटा? कभी नहीं होता। ये मुन्ना तो कुछ समझता ही नहीं, जगत सेवा के काम में लगा हुआ है और अपना ऐसे रखती हर भी ख्याल। ए बालू शाह यहाँ अकेले बैठ के क्या करो, चलो बाहर चलते हैं। कहाँ बाहर? अरे कहीं भी चलते हैं, चलो तो सही, चल चलो उठो। चलो भाई चलो, तुमसे भला कोई जिद कर सकता है? लेकिन तुम्हारी गाड़ी पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस, टर्मिनस से विक्टोरिया पर, यानी कि घोड़ा गाड़ी में। क्यों?
विक्टोरिया के ठाठ और होते हैं बाबू मशाय, ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के रईस चले आ रहे हैं, लखनऊ के नवाब राय बहादुर मुरारी खान साहिब। बाबू मशाय साहिब आइए, चलिए तशरीफ लाइए, आइए आइए। देखा, अब बस के लिए एक घंटा इंतजार करना। तो क्या हुआ? ए बाबू मशाय, मुरारी लाल, ए मुरारी लाल, क्या पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू को तो मीनार पर बियर प्लाट कर आउट कर दिया था? अब भूल कर रहे हैं साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मेरा नाम मुरारी नहीं, मेरा नाम जगदीश है। अरे 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 अरे, मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। चलिए इसी बहाने एक और मुरारी लाल से दोस्ती हो गई, मिलाइए हाथ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको ही जी, और याद रखिए आईना जब भी मिलेगा भूलिएगा मत। जी नहीं, अभी आप जा सकते हैं, नमस्ते। आनंद, अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था, ये मुरारी लाल है या नहीं। मुरारी नाम के किसी आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। तो क्या, अरे उसे मिलने को जी चाहा सो मिल लिया। देखो बाबू मुझे, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ कभी कभी। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर वो बहुत अच्छा लगता? हाँ लगता है। क्यों? बोलो 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 क्यों? क्योंकि वो मैं समझाता हूँ। देखो बाबू मुझे, हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। बड़ी ग्रेट थ्योरी है बाबू मुझे, रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ ये क्या पागलपन है बाबू मुझे, तुम इसे पागलपन कहते हो? जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा, उससे मिले, उससे बातचीत की, उसे छूकर देखा, और क्या चाहिए? हाँ ए बाबू मुझे, देखो देखो कौन मुरारी लाल। ए कहाँ जाता है, ठहर इधर। बाबू मुझे मुरारी लाल। बाबूजी एक वेनी ले लो बीबी जी के लिए। क्यों बाबू मुझे, ले लूं भाभी के लिए? हाँ हाँ ले लो। ला यार एक अच्छी सी दो लेकिन खुशबूदार। हाँ हाँ अभी लाओ बगीचे से। क्या वेनी? हाँ ना ना फूल। हाँ ऐसे बोलो ना, ये लो। ए बाबू मुझे बड़े शीघ्र रुस्तम निकले यार। और मेरा मतलब छुपे रुस्तम बाबू शाह, अगर ये वेणी ना ली होती तुम तो मेरी भाभी को भी हजम कर गए होते। बताओ कौन है, कहाँ रहती? अरे किसकी बातें कर रहा है, मैंने सोचा तुमने सुमन भाभी के लिए वेणी ली। बस कर और टालने की कोशिश मत कर, साफ साफ बताओ कौन है और कहाँ रहती। भाई कौन कहाँ? जिस लड़की से तुम्हारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या? अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी। मेरा कोई इश्विश नहीं। बोल बिश्ना, बोल बिश्ना। भाई और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इश्क के बारे में। आनंद ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं, फिर झूठ। भाई और बहनों, आनंद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा। ए बाबू मशाय, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कोई है। ए बाबू मशाय बताओ ना, ए भाई बताओ ना, तुम्हें तो मालूम है कि मैं एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे, उसका इलाज करते हुए उसे। समझ गया। नाम क्या? रेनू। कहाँ रहती? यही स्कूल में पढ़ाती। पपीली? क्या पपी? पपी चुमा चुमा किस किस पाजी? अरे लो इसमें शर्माने क्या बात है? आनंद डोंट बी सिली। अरे लो अजीब बंगाली प्यार है, प्यार करना था। वो देखो उस जानवर की तरह। बिल्कुल है, जरा बुला देंगे? जरा क्या, पूरा बुला देता हूँ। आइए आइए तशरीफ रखिए, आइए आइए बैठिए। अच्छा पहले ये बताइए आपकी तकलीफ क्या है? घबराइए नहीं, हमारे डॉक्टर साहब है ना बिल्कुल जादूगर है, इनका हाथ लगते मरीज बिस्तर से उठकर क्रिकेट खेलने लगता है। आप तो लड़की हैं, आप बैडमिंटन खेलने लगेंगे। अरे आप हंसती हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। हाँ आनंद किससे बातें कर रहे हो?
अरे रेणु जी, आप रेणु जी? मोरी गलो बाबा। ए मोरी गलो, रेणु जी ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद, रेणु जी। ये बाबू से ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली आनंद, हाँ, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद जी क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, रातों को नींद नहीं आती है तुमने नहीं कहा, लेकिन रेणु जी आप स्कूल में पढ़ा थी जी। निमोनिया हुआ था आपको जी? हाँ। इलाज इसने किया था जी। मुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ। बड़ा डरपोक है भाभी। आनंद, ओ सॉरी भैया, अभी भाभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये आनंद आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे हैं? लड़की से प्यार करते हो, लड़की को बता नहीं सकते? हाँ, विल यू प्लीज शट अप। यस यस, जब सलीम और अनारकली दोनों खामोश हैं, मुगले आजम खामखा बीच में बोले जा रहा। लेकिन रेणु जी मैं सच बोल रहा हूं, ये बुद्धू आपसे बहुत प्यार करता। हाँ जा रहा हूं। आनंद की बातों का यकीन तो नहीं किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? सच तो कहा है उसने, जो बात मैं खुद न कह सका अच्छा हुआ मेरे दोस्त ने कह दी। लेकिन रेणु जी अगर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है तो कह दीजिएगा, ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। आपके दोस्त ने ठीक ही कहा, आप सचमुच डरपोक हैं। बस जम गया मामला। रेणु जी आनंद ने जब बांध तोड़ ही दिया है तो जी चाहता है वो सब कह दूं आपसे जो आप तक दिल में। कहिए। चलिए कहीं बाहर चलते हैं, चलेंगे? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ आनंद, हम लोग जरा घूमने जा रहे थे, चलोगे? अरे इस तरह देखता क्या उल्लू, बोल चलेगा? ओ यस यस जरूर चलूंगा, मैं भी कोट पहन कर अभी। आपने उन्हें क्यों? मैंने तो यूं ही झूठ मूठ कहा था, इडियट तैयार हो गया। कोई बात नहीं, चलो चलो ऐसे ही चलते हैं। अरे कोट भी क्या पहनना, चलो 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 बहुत अच्छा है, चलो। ये पानी का रंग देखा आपने? लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा हो। तेरी की, मुझे तो ऐसे लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता है तो उसका हाथ पकड़, शादी ब्याह की बात कर, समुद्र और आसमान क्या दिखा रहे उसे? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये दोस्त आपका, इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो दो तीन महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। भगवान ही कोई मिरेकल दिखा दे तो कह नहीं सकता। आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब मानने को जीत जाता है, आनंद के लिए कुछ भी मानने को जीत जाता है। ऐसा हंसता खेलता है इंसान आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। और फिर भी तब तो ऐसे आदमी को छोड़कर भगवान भी नहीं रह सकते।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, ए तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, ए जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी भास्कर, इतने सवेरे सवेरे। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आनंद भैया नहीं आए? नहीं, पुलिस स्टेशन गया है। पुलिस स्टेशन? क्यों? पता नहीं, कहीं जा रहा था, मैंने पूछा तो जवाब मिला पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बाबू मोशाय, तुम्हारा वारंट निकलवाने। वारंट? कुछ नहीं भाभी, बात बात पर मजाक करना तो उसकी आदत है। देखिए ना, जितना मैं उससे कहता हूँ कि घर से बाहर मत जाया करो, ऐसे मत घुमा करो, उतना ही वो। आप लोग तो मुझे आनंद भैया के बारे में कुछ बताते हैं, आखिर हुआ क्या उनको? पहले भास्कर के लिए कप तो लाओ, बैठ।
प्रकाश, एक बुरी खबर लाया। क्यों, क्या हुआ? प्रकाश, हमें त्रिवेदी को खबर कर देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही अब आनंद का चलना फिरना भी बंद होने वाला है। सुमन, ये क्या, भास्कर को सिर्फ चाय ही पिलाओगी? क्या खाएंगे भैया? ओह, ये भी क्या पूछने जैसी बात है। कल जो केक लाई हो वो क्या अगले साल काटोगे अपने बर्थडे पर? आप तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं। कल त्रिवेदी का टेलीफोन आया था दिल्ली से। आनंद ने उसे एक लंबी चिट्ठी भेजी है, लिखा है, जब तक तेरी शादी वो तय नहीं कर लेता, उसका यहां का काम पूरा नहीं होता। हाँ, वो काम पूरा कर ले तो वो दिल्ली ही क्या, कहीं भी जाने के लिए तैयार है। प्रकाश, एक बात समझ में नहीं आती, आनंद के रिश्तेदार उसके बगैर इतने दिन कैसे रह सके? मैं तो उसकी जुदाई एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आनंद का कोई नहीं है भास्कर। कोई नहीं है का क्या मतलब, कोई तो होगा रिश्तेदार? नहीं, वो पार्टीशन का मारा यतीम होकर दिल्ली पहुंचा और किसी रिश्तेदार के सर मर दिया गया। जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ उसी दिन उन्हें छोड़कर भाग चला आया, क्योंकि उन रिश्तेदारों को वो सदा के लिए भारी रहा था। सुमन से बहुत प्यार करता है ना, तो उसे सब कुछ बताया, कहा काश के आदमी जैसे अपने दोस्त चुन सकता है वैसे अपने रिश्तेदार भी। और उसने ये भी कहा, हम सबसे मिलने के बाद उसे जन्म जन्मांतर के रिश्तों पर विश्वास हो गया। यकीन कर, जितनी चिंता हमें उसके लिए है उससे कहीं ज्यादा चिंता उसे हमारे लिए है। जानता हूं प्रकाश, और यह भी जानता हूं कि यह प्यार ही उसकी शक्ति है, इसीलिए तो वो अब भी चल फिर सकता है। दूसरा कोई होता तो कब का बिस्तर से लग चुका होता। कभी कभी तो यह डर लगता है कि महीने दो महीने की जिंदगी जो बाकी है आनंद की, वो भी कहीं अचानक खत्म ना हो जाए। सुबह निकलता हूं तो पता नहीं होता कि शाम को उसे जिंदा देखूंगा भी या नहीं। यहाँ स्कूल टीचर रहती है रेनू जी, क्या उसके मकान का नंबर बता सकते हैं? रेनू जी, ओ लंबी चोटी गोल टिक्का, वो जब हंसती है तो गाला में दो खूबसूरत गड्ढे पड़ते हैं। हाँ जी हाँ, उनके मकान का नंबर चाहिए? अपना नंबर तो बता दीजिए जी। मैंने कहा आपका नंबर क्या है? क्या मतलब? यहाँ सब उम्मीदवारों के नंबर लगेंगे। पहला नंबर एक लंबू का है, अलबत्ता वो उस महल का नहीं, कभी कभी उन्हें छोड़ने आता है। दूसरा नंबर मेरा, तीसरा मेरे दोस्त, हम सबके नंबर लगेंगे। आपको लाइन माननी है तो आप भी लाइन में आ जाइए। ओ यस यस, अब तो नंबर बता दो। 25। 25, थैंक यू। अरे ओ साहब, आपका नंबर? जी, मुझे पूरा 10 नंबरी कहते हैं साहब, 10 नंबरी। आने दो वापस, हम नंबर लगाते हैं। माँ जी, वाह वाह, ये हुई ना बात, माँ हो तो ऐसे देखते आदमी पहचान जाए। आप रेणु जी की माता जी? हाँ, माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती माँ जी, रेणु जी जानती हैं, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। वो तो देर से आएगी बेटे, इसीलिए तो मैं जल्दी से आ गया माँ जी। अरे नीचे क्यों बैठ गए? तो क्या हो गया, आप बैठे ना, बैठे बैठे। माँ जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम? एक जमाने में ये काम नाई किया करते थे माँ जी, आजकल भाई करते हैं। मैं समझी नहीं। मैं रेणु जी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ, मैं उन्हें अपनी भाभी बनाना चाहता हूँ। इसमें मैं क्या कहूँ बेटा, इसका फैसला तो रेणु ही करेगी। आजकल वो जमाना तो रहा नहीं, माँ बाप ने वर चुन लिया और बेटी चुपचाप डोली चल गई। आजकल तो लड़का लड़की देख न ले जब तक। मैं सब जानता हूँ माँ जी, सब जानता हूँ। दरअसल लड़की ने लड़के को देख लिया और लड़के ने लड़की को। और अगर सच पूछिए माँ जी, तो उन दोनों को देखते हो मैंने भी देख लिया था, इसलिए तो आपके पास आया हूँ।
लड़की को मैंने और रघु काका ने देख लिया। अगर आप लड़के को देखना चाहती हैं तो बड़े शौक से देखिए। डॉक्टर है, और जब भाभी को, मेरा मतलब है कि जब कन्या को निमोनिया हुआ था तो उसी वर ने इलाज किया था। कौन, भास्कर? जी हाँ, मेरा भाई है भाई। सच बेटा, मेरे नसीब में इतना सुख है। भास्कर तो लाखों में एक है, रेणु तो उसकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है। बस फिर तो जम गया मामला। सॉरी माँ जी, सॉरी, मेरा मतलब तो समझ ही गई होंगी माँ जी। समझती तो हूँ बेटा, अगर वो दोनों राजी है तो ठीक है, लेकिन तुम उसके भाई हो इसलिए कह देती हूँ, दान दहेज देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है माँ जी, लड़के के पास भी क्या देने के लिए, हाँ एस्प्रिन या पेनिसिलिन। तो रिश्ता नक्की, बात पक्की, तो लाइए पंचांग, 7 दिन के अंदर अंदर मुहूर्त निकलना चाहिए। लेकिन 3 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। 3 महीने? वो क्यों? रेणु के पिताजी को गुजरे अभी कुल 9 महीने हुए, इसलिए। ओ, फिर तो मुश्किल होगी, मैं तो शादी में शामिल नहीं हो सकूंगा। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ माँ जी, मैं तो महीने डेढ़ महीने में यहाँ से चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे बेटा? बहुत दूर माँ जी, बहुत दूर। तो शादी के लिए वापस नहीं लौटोगे? नहीं माँ जी, यही तो मुश्किल है, बहुत रश है वहाँ, और यहाँ से रिटर्न टिकट भी नहीं मिलती है? आप तैयारी तो कीजिए। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम। अरे अरे, मुंह तो मीठा करके जा। नहीं माँ जी, इतने सस्ते छुटकारा नहीं मिलेगा, बस 1-2 दिन में आता हूँ, बाकायदा अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। हाँ खिलाएंगे ना माँ जी। बेटा, तूने रेणु का रिश्ता लाया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ साथ जी भी घबरा रहा है। एक ही तो बेटी है, उसके बगैर रहूंगी कैसे? लेकिन तुझे देख के ऐसा लगता है कि बेटी तो पराई हुई, लेकिन मुझे बेटा मिल गया। भगवान करे तू 100 साल जी। ए भाई साहब, ये क्या मजाक है, इस तरह लाइन तोड़कर चले गए? क्या करूं यार, जाना पड़ा, इमरजेंसी केस था ना यार। अब तो लंबू के साथ इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अमा ऐसा करो, लड़की की टांगे तोड़ दो, ना वो कहीं जाएगी ना कोई आएगा। समझा, अब काफी समझदार मालूम होते हैं। उम्मीद है दोबारा इधर आने की तकलीफ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप, अब तो आना ही पड़ेगा, बड़ी तेज वाइब्रेशन आ रही। क्या तो फिर मुलाकात होगी आपसे? मुलाकात नहीं, मुकालात होगी। मुकालात? मुकालात होगी मतलब? अबे मुकालात नहीं, मुकालात, मुकालात। ऐसा? अरे धमकी देगा साला। की गल है मुंडे? नमस्ते जी। नमस्ते, की चाहिए था? धूल, धूल चाहिए थोड़ी सी। और इस पवित्र अखाड़े की मट्टी नु धूल नहीं कहीदा? वो नहीं, थोड़े चरणा की धूल चाहिए है, तुसी तो भगवान की शक्ति का रूप हो, अरे पूजा करनी चाहिए थी। जी उदारो, शिगिर्द बनना ही, चलो उतार कपड़े, बन लगोट तो लिया गुरु दक्षिणा। नहीं नहीं पापा जी, शागिर्द नहीं बनना, मैंने तो आपकी शक्ति देखकर आपके चरणों की धूल मांगी थी, वरना हम क्या कचरा, ना अपनी रक्षा कर सकते हैं ना अपनी पैन बरामद। पर क्यों यार, कौन तेरी माँ पैन सताता है? पापा जी, कुछ लोग हैं इस मोहल्ले में जो खाम का फिक्रे कसते रहते हैं। मेरी भाभी, नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरी होने वाली भाभी का घर आना जाना मुश्किल हो गया। ओ जीतिया, मैं होने आना, चल खाम खा, कौन फिक्रे कसता है वो दीते मैं। चल पापा जी। लगाया पापा जी, पहले मुझे जाने दीजिए। पापा जी जल्दी आना, टाइम पर आना, कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। कोई तुम यार दाल दाल रात को डर रहे हैं? जा जाओ, जाना जा रे। अरे फिर आ गया। कहिए हजरत, किससे मुकालात करने आए? हमसे या अपनी उस लैला से? पहले यहाँ थोड़ी रिहर्सल कर लिए तो अंदर आसानी होगी। हाँ हाँ हो जाए। पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी, ओ पापा जी,
बाबा जी और बाबा जी इधर की औलाद किसी की मां बहन को मछली खाता तुम क्या समझे दुनिया से मर्द मर गए भाइयों से बैठे इसको क्या कहते हैं ड्रेन पाइप पैन मतलब गंदी नाली अबे सुन फिर तू ये पहना तो तुम्हें गंदी नाली में फेंक दूंगा पापा जी थोड़ा जवाब नहीं तुझे छा गए हो पापा जी तुझी साक्षात भीम सैन हो जीते रहो बेटा गुरु कच्च देवा माझा आनंद आता बर कर मैं तुझा कड़े भीख मांगते सुमन ओ सुमन क्या है भैया ये लो तुम यहाँ बैठकर भगवान से गप्पे लड़ा रही हो मैंने सारा घर छान मारा ये मिठाई लो मिठाई किस बात की बड़ बाबूशाही है ना अच्छे हो गए क्या हुआ था उन्हें बड़ी सख्त बीमारी ये तो शुक्र करो कि मैंने सिम्टम्स पहचान लिए और दवा को ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन इससे पहले कि मैं दवा को ढूंढ सका दवा ने खुद मरीज को ढूंढ लिया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया किसने ढूंढ लिया किसे रेनू ने बाबूशाही को रेनू कौन रेनू बाबूशाही की दवा ओहो तुम कुछ नहीं समझते सुमन ये अपने बाबूशाही है ना उन्होंने रेनू का इलाज किया खुद बीमार हो गए इश्क में आपने किससे सुना घोड़े के मुंह से क्या आई मीन फ्रॉम हॉर्सेस माउथ देखो ना दिन रात तुम लोग घूमते हो तुम्हें नहीं पता चला मैंने खबर कर ली दरअसल तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है भगवान से अपने लिए नहीं कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ मांगना चाहिए लेकिन आज तो मैं ये सिर्फ अपने लिए मांग रही थी क्या अरे बोलना क्या मांग रही थी समझा खिलौने विलौने ले आओ अरे मामा हूँ मामा कोई मजाक थोड़ी है नहीं तो भांजा क्या कहेगा ए, क्या मांगा भांजा या भांजी लो शर्मा गई अरे बोलना क्या मांगा बोलना अपने भाई की जिंदगी मांग रही थी ओ, उस रास्कल ने सब बता दिया सुमन सुमन देख मेरी तरफ देख छी छी मेरी बहन होकर रो रही है इतनी कमजोर रोज भगवान की प्रार्थना करती है यही शक्ति दी उसने अरे पगली मैं कब तुझे छोड़ के चला जाऊंगा उस डर से रो रही आज तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है उसे देखकर खुश नहीं हो सकती हंस नहीं सकती बोलिए सुनेगा तो जलकर कबाब हो जाएगा रेनू लो शैतान का नाम लिया हाजिर हो गया अरे तुम कब नो नो बाबू मोशाय वापिस जाओ रॉन्ग नंबर ये मुझसे मिलने आएंगे तुम्हें नहीं बताइए ना बताइए आज तो मैं आप ही से मिलने आई करेक्ट देखा जलकर खाक हो गया मुरारी लाल जी बाबू शायद तुम भाभी से बात करो मैं जरा मुरारी लाल से मिलकर आता हूँ मुरारी लाल ये मुरारी लाल जी कौन है देखो देखो ना अरे मुरारी लाल यहाँ का ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहान की तरह पहचाना नहीं भूल गए बच्चू कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था अरे जयचंद तुम हद हो गई यार दो पैक में दिल्ली छोड़ गए दो थोड़ी यार चार थे लगी शर्त भैया पैक तो दो ही थे लेकिन डबल चलो एक डबल हो जाए नहीं यार मैंने पीना छोड़ दिया तुमने नहीं मिया छुट्टी कहाँ है ये काफी मुंह से लगी हुई ए इधर अच्छा यार ये तो बताओ शादीवादी की या छड़े के छड़े हो नहीं मियाँ जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं कहते हैं छोटी है और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ लगता है बड़ी है अच्छा ये बताओ तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ वो तो मीडियम साइज की थी
क्या है ना बाबू शाही, मैं तुमसे कहा था ना एक दिन हमारा मुरारीलाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया मुरारीलाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी। मैं नहीं क्या रहता हूँ। नमस्ते, मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जब से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारी लाल नहीं, ईसा भाई है। ईसा भाई सूरत वाला, याद रखिए। आपका नाम तो भास्कर ही है ना? हाँ। अरे गुरुदेव, कहाँ चले? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात में कि पहला चाय हो जाए। नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है। रिहर्सल? हाँ, अपनी नाटक कंपनी है। ड्रामा करते हो? तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ। एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो। ए बाबू शाह, तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं गुरु की कंपनी से होकर आता हूँ। चलिए गुरुदेव। चलो चलिए। तो मैं चलूं? क्या वाकई आनंद से मिलने आई थी? हाँ, आनंद जी से भी मिलने आई थी। आनंद से तो मिलनी, लेकिन भी से कहाँ मिली? चलो ना, थोड़ी देर भी के पास भी रह जाओ। क्यों? आपको काम पर नहीं जाना है? आधे घंटे का काम है, किसी वक्त भी कराऊंगा। नहीं, पहले काम कराइए, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। बेटा जयचंद, रिहर्सल शुरू कर दें क्या? मगर ऐसे मूड नहीं बनता पंडित जी, जरा उर्दू का ड्रामा है, लिबास तो सही पहन कर आइए। अभी पहन कर आता हूं। रजनी बहन, सब रेडी हो गए? हां, तुम रेडी हो? वेरी गुड। बजाते तेरी पगड़ी किधर है भाई? पगड़ी कहां है मेरी? अगर ये मामूली है तो फिर इससे बेहतर अगर बाजार में कोई दूसरी हो तो बता दे दीजिए। हम बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए कि मैं वहाँ हम समझ गए अब्बा हुजूर। शेखू, अब्बा हुजूर, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी शर्त, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर। तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह, मान गए। अच्छा चलो, अब 10 मिनट के लिए चाय पानी की छुट्टी। क्या जयचंद, कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। कौन कौन, क्या तुमने क्या पूछा? अरे भाई, मैं पूछा था रिहर्सल कैसी लगी। हो, रिहर्सल अच्छी है, लेकिन लड़की ज्यादा अच्छी है। कौन सी लड़की? कंजर वाली। ओ, रजनी बहन। बहनों की तेरी। मिला दूं? ऐ शाबाश। रजनी बहन, जरा एक मिनट आइयो। आ मारो फ्रेंड चैनल दिल्ली नो बहु फर्स्ट क्लास एक्टर आथरी जोड़े बात करवा मांगे। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें कहो नाटक दिल्ली में करे लो। मरी गलो बाबा, मैं नाटक नहीं, गाना गाता हूं, गाना गाता हूं। शो बात करे छे, गुजराती नहीं बोलता तो इमने साथे शो बात करूं? बिल्कुल ठीक, तू हिंदी समझती ना थी, मैं गुजराती समझतो ना थी, तो काम के रीते चल से जा जा। धरत तेरे की,
जवान से मार खा गया गुरु? बिल्कुल खा गए। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे क्या करूं रेनू, डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है। अच्छा, आनंद जी को रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है। हाँ हाँ, एक ही तो शौक है, बक बक का। खुद थक जाता है तो टेप से शुरू हो जाता है। अरे कहाँ इतनी देर कर दी आनंद, सारा दिन तुम्हारी मेरा मतलब रेनू जी इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, आप क्यों रहे? कुछ नहीं बाबू मशाई, आपके लिए तो लड़की ढूंढ दी, आज मैं अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था। कोई मिली? मिली तो सही भाभी, लेकिन जबान से मार खा गया। क्यों, क्या हुआ? गुजराती लड़की है, सिवाय गुजराती को कुछ समझती नहीं। लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये देखो एक दो तीन चार किताबें खरीद के लाया हूँ। क्यों बाबू मशाई, साल भर में तो गुजराती सीख पाऊंगा। मालूम है बाबू मशाई, मालूम है। ये बाबू मशाई, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही हैंडीकैप लेके जा रहा हूँ, अगले जन्म में 10 साल की उम्र से ही गुजराती में इश्क करना शुरू कर दूंगा। हाँ अरे तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ, लेकिन आपको साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। देखा देखा भाभी, देखा कैसे डरपोक बिल्ली भी शेर की तरह दहाड़ रही है।
कोई बात नहीं, देख लूंगा। हाँ अरे आनंद, ऊपर त्रिवेदी की चिट्ठी आई, देख लेना। अरे त्रिवेदी तो क्या, इंदिरा जी भी मुझे बुलाए तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे बंबई शहर का जवाब नहीं, वाह वाह, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सब लोग यही तो है। मैंने तो फैसला कर लिया बाबू मोशाय, जीना तो बंबई में, मरना तो बंबई में। आज बात करते करते आनंद हांफने लगा, अंत की पहली निशानी नजर आने लगी है। मेडिकल प्रोफेशन में एक वो मुकाम भी आता है जहां तमाम इलाज खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर को सिर्फ मरीज के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। इस बेबसी को सिवाय एक डॉक्टर के और कोई नहीं जान सकता। हे भगवान, कितनी भयानक बेबसी। ऐसे चोरी चोरी थोड़ी जाने दूंगा मम्मी। या ऐसा ऐसा क्या बोल रही थी? दुआ मांग रही थी बेटा। क्या दुआ मांग रही थी? जीसस से तुम्हारे लिए। मोरे गला बाबा, ये तुमने क्या किया मम्मी? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं, मैं शिवजी का पुजारी हूँ और तुमने जीसस से कह दिया, अगर जीसस और शिवजी में झगड़ा हो गया तो पगला के। नहीं नहीं मम्मी, तुम्हें नहीं मालूम शिवजी बहुत गुस्से वाले हैं। खैर जाने दो, उन्होंने मेरा गुस्सा भी नहीं देखा। अगर ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हो जाऊंगा। क्यों मम्मी, क्या ख्याल है? अच्छा हुआ तुम आ गई भाभी। देखो बाल, तुम्हें साक्षी रहना पड़ेगा, हमारा मम्मी के साथ पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगले जन्म में मैं इनका बेटा बनकर पैदा होने वाला हूँ। क्यों? बड़ा पगला है बेटी, बक बक करता ही रहता है। अगले जन्म में क्यों, इस जन्म में तो मेरा बेटा नहीं। वो तो हूँ। तो क्या घर से निकलना एकदम बंद हो गया? हाँ भाभी। बहुत मौतें देखी है मैंने, लेकिन ये मौत मैं नहीं देख सकूंगा प्रकाश। जो कुछ भी इंसान के हाथ में है वो तो दुख ही रहा है। क्या है इंसान के हाथ में? हम चांद पर जा पहुंचे, स्पेस को जीत लिया है, लेकिन इंसान की बीमारी, दुख, दर्द, तकलीफ को जीतने के लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। कभी कभी इतनी बेवसी महसूस होती है प्रकाश। सुनो, आनंद को देखने नहीं जाओगे? जाइए भाभी, एक बार मिल आइए, अब ज्यादा दिन नहीं रहे। नहीं बस भैया, नहीं, मुझमें हिम्मत नहीं, मुझमें हिम्मत नहीं। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे चर्च जाना है। तुम बैठो बेटे, इससे बातें करो, मैं फिर आऊंगी। भाभी, किसी को रुलाना अच्छा नहीं होता ना। क्यों? मम्मी को हंसाना चाहता था, रुला दिया। जिसे भी हंसाना चाहता हूँ उसी को रुला देता हूँ भाभी। आप कुछ नहीं समझते, जब ज्यादा खुशी मिल जाए ना तब भी आंसू निकल पड़ती। आपकी मम्मी दुख से नहीं, खुशी के मारे रो पड़ी। आप जैसे बेटा कहाँ मिलेगा उन्हें? ओह यस, राइट, यू आर राइट, मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा मम्मी को? हा? और तुम्हें भी मेरे जैसा देवर नहीं मिलेगा भाभी। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ठहरो अभी बताता हूँ।
পছন্দ তুমি না একটা তোমার মাথা কিছু গন্ডগোল হয়ে গেছে দেখো 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 তুমি আমাকে বাঙালি মে গালি দো মাতা मैं गाली नहीं दे रही हूं कह रही हूं तुम पागल हो ये फूल क्यों निकाला मेरे बालों से इसे कविता की किताब में रख दूंगा क्यों जैसे कविता एक बीते हुए पल की निशानी बन जाती उसी तरह ये बीता हुआ फूल कल मेरे लिए एक कविता बन जाएगा इसीलिए तो कहती हूँ तुम पागल हो वो तो हूँ और तुम्हारे लिए पागल हूँ पता है कभी कभी जी चाहता है तुम्हें दोनों बाहों में ऐसे भर लूं कि बस तुम पिघल जाओ मेरे हाथों में मेरे अंदर मेरे साथ मेरे लहू में घुल जाओ मैं सांस लूं तो उसमें तुम्हारी सांस भी सुनाई दे तुम मुझे नाम से बुलाओ आनंद आनंद और मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाऊं कौन है ये कौन ये लड़की अच्छे अच्छे हमार सुनार बंगालन बड़े बदमाश हो तुम अपने भैया से तो सब कुछ पूछ लिया और अपनी बात जरा भी नहीं बताई कौन है वो क्या नाम है नाम नाम जान के क्या करोगी रहती कहाँ दिल्ली में दिल्ली में कहाँ अपने पति के घर शादीशुदा है नहीं भाभी जब मिली थी तब नहीं थी बहुत अच्छा लड़का भाभी जिससे शादी हुई बहुत प्यार करता उसे बड़ी सुखी रहेगी अच्छा हो ना भाभी उससे शादी करती तो मरती ना मालूम है भाभी बहुत कम वक्त मिला करता था हमें इसलिए जब भी वो आया करती थी मैं उसे बगैर बताए उसकी आवाज टेप कर लिया करता था और उसके जाने के बाद अकेले में बैठकर बार बार नीलमों को जिया करता था कब हुई शादी उसकी आज पूरे 3 महीने 7 दिन हो गए तुम कब आए थे दिल्ली से मैं पूरे 3 महीने 7 दिन हो गए ना छोड़ो ना भाभी तुम भी किस हिसाब किताब में पड़ गई देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ क्यों भाभी पसंद है ना भाभी एक बात बोलूं तुम दोनों मेरे होते होते पहन लो ना बाबू मुशायद या अकेले में क्या कर रहे हो ओ भाभी की याद आ रही अरे ये सब चीज ही ऐसी है हो जाए तो मुश्किल ना हो तो मुश्किल आनंद आज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी चलो चलो उस कमरे में चलते हैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं मुझे कविता है ना आनंद प्लीज जाओ अपने कमरे में जाओ कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूं मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता हूं तुम अकेले रहो आनंद क्यों मेरे पीछे पड़े रहो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं बकबक करता रहूं तुम्हारे साथ सॉरी बाबू आनंद बुरा मत मानना आनंद दरअसल तुम तो जानते हो बाबू कितनी बार मुझे याद दिलाते रहोगे कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं मेरा आखिर आ गया है बाबू मशाय आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी आंखों में नहीं बाबू मशाय नहीं मैं अपनी मौत देख सकता हूं लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता मैं चला जाऊंगा कल ही यहां से चला जाऊंगा नहीं आनंद तुम कहीं नहीं जाओगे तुम्हारा तो कोई नहीं तुम मरोगे तो यहां मेरी बाहों में अरे वाह ये हुई ना मर्दों वाली बात बाबू मशाय हमारी मुश्किल मालूम क्या है हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं बाबू मशाय मैं आज थोड़ी मरने वाला हूं और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं यही रहूंगा यहां तुम्हारे साथ हाँ आनंद मैं जानता हूं तुम मेरा हिस्सा हो गए मेरे जीने का हिस्सा बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास क्या तुम्हारी आवाज तुम्हारी ये पक पक तो फिर चलो मेरी ये पक पक रिकॉर्ड कर लो
लेकिन हाँ, सबसे पहले तुम्हारी ये कविता रिकॉर्ड करें। कौन सी? वही जो तुमने कॉलेज में लिखी थी, जिसमें तुमने कहा था वो मौत तुम्हें कविता हो। चलो 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 चलो। मौत तू एक कविता है, मुझसे कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना भी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। अब तुम बोलो। क्या? कुछ भी, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा बोलने के लिए। हाँ वो तो है। बाबू मशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। मुझे 50 रुपए देगा बेटा? हाँ हाँ, ऊपर टेबल की दराज में रखा है, ले। और 4-5 दिनों की छुट्टी भी चाहिए मुझे। छुट्टी? अभी छुट्टी लेकर होगा था। आनंद की हालत? उसी के लिए बेटा मैं गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ महादेवी का मंदिर है, बड़ी ही जागृत देवी है। आनंद के लिए प्रसाद लाऊंगा उनका, उसे मुर्दों को जागते देखा है मैंने। तो जल्दी जाओ रघु काका, वक्त बहुत कम है। आज ही 11 बजे की गाड़ी से निकल जाता हूँ, 2-3 दिन में लौट आऊंगा। तू डरना नहीं मुन्ना, आनंद जरूर अच्छा हो जाएगा। आइए ईसा भाई। नमस्ते डॉक्टर साहब, कहाँ है अपना चेला? आइए बैठिए। बैठने की फुर्सत नहीं है डॉक्टर साहब, आज अपने ड्रामे की फाइनल रिहर्सल है, बहुत काम पड़ा है। जरा जल्दी से बुला दीजिए ना जयसन को। वो तो आज नहीं जा सकता। लगी शर्त? जरूर जाएगा। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि रजनी बहन, बहन मत कहिए, सिर्फ कहिए कि रजनी की रिहर्सल है, गुजराती बोलता हुआ चला आएगा। दरअसल बात यह है ईसा भाई। अच्छा मुन्ना, जा रहे रहो काका, जरा जल्दी आना। बस गया और आया समझो। ऐसी दवा है कि उससे विष, ताप, हैजा, कैंसर सारे रोग ठीक हो जाते हैं। नहीं काका, सब रोग ठीक हो सकते हैं लेकिन कैंसर ठीक नहीं हो सकता। होता है, वो भी ठीक होता है। लगी शर्त? हाँ हाँ लगी। हार जाओगे काका, मैं शर्त कभी नहीं हारा। मेरे अब्बा भी बहुत बड़े हकीम थे, कहा करते थे जिसको ये कर्कट रोग लगा समझो वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो हकीमों डॉक्टरों की दवा नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी दवा है? है विश्वास। मैं चलूं मुन्ना, मुझे पूरा विश्वास है उसका कैंसर अच्छा हो जाएगा। किसे हुआ कैंसर? कोई अपना है क्या? हाँ मेरा अपना है। कौन? आनंद। इसीलिए कह रहा था वो आपके साथ नहीं जा सकता, लास्ट स्टेज में पड़ा है।
पता नहीं कब। उसे मालूम था, है ना डॉक्टर साहब? वाह वाह, मरते मरते चेला गुरु को जीना सिखा गया। दुख अपने लिए रख, आनंद सबके लिए। वाह वाह डॉक्टर साहब, मैं एक बार उससे मिल सकता हूं ना? हमसे पहले ही एग्जिट ले रहे हो? बड़े चालाक हो मियां, और खुद तो बड़े हाल से तालियां ले गए, और हमारी बार क्या खाली कुर्सियां बजेंगी? क्या करूं गुरुदेव, मेरे तो डायलॉग ही खत्म हो गए, वरना मैं तुम्हें भी खा जाता। लगी शर्त? अच्छा तो ऊपर ही होगा मुकाबला, चल के बसाओ अपना आनंद तो, और एक अच्छी सी ड्रामा टोली तैयार करो, हम भी आ रहे हैं। यहाँ से कोई एक्ट्रेस वेक्ट्रेस चाहिए तो बता दो, साथ ही लेता आऊंगा। चाहिए तो सही गुरुदेव, लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी गुजराती सीखने में काफी वक्त लगेगा। आनंद आनंद रुपा के बाद। अच्छा मैं चलता हूँ चेले, फिर आऊंगा मिलने। कहाँ? यहीं यही मिलूंगा जयचंद, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा। डॉक्टर साहब, अल्लाह करे ये शर्त रघु काका जी जाए, ये शर्त रघु काका जी जाए डॉक्टर साहब। बस गिने गिनाए कुछ पन्ने बाकी हैं आनंद की जिंदगी के, उसके गिने गिनाए कुछ दिनों की तरह। रेनू ने ठीक ही कहा था कि अच्छे लोगों की भगवान को भी उतनी ही जरूरत रहती है जितनी हमें, उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। हाँ कहते हैं कभी कभी प्रार्थना चलती है, और इस वक्त मैं जानता हूं सब वही कर रहे होंगे। लेकिन अंत हम सब जानते हैं, हम सब डरे सहमे उसी का इंतजार कर रहे हैं। कब कब किस वक्त? आनंद ऑक्सीजन ले लो, आराम मिलेगा। बाबूजान खिड़कियां खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो। प्रकाश मैं डॉक्टर शास्त्री के पास जा रहा हूँ, सुना है होम्योपैथी में कोई दवा है जो लग जाए तो मिरेकल कर सकती है। आनंद मन, क्या तू जानता नहीं कि आप कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुझे कैसे मालूम कुछ नहीं हो सकता? क्या इससे पहले कभी कोई मिरेकल नहीं हुआ? बहुमुशा है आनंद, मैं अभी आया। कहीं मर जाओ बहुमुशा, इस वक्त कहीं मर जाओ बहुमुशा। तू घबरा नहीं आनंद, तू घबरा नहीं, मैं गया और आया, गया और आया। मुझे चेलू जी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अनंत भैया, मुझे नहीं आए। अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। बाबू मशाई अभी तक नहीं आए,
परमेश्वर है दोस्त। हाँ ना दोस्त, टेप चला दो जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, टेप चला दो। सिस्टर्स मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। छह महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। पावमोशाय, पावमोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।